बड़ी खबर इस समय की, मुख्यमंत्री के साहेबगंज दौरे में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दो दिवसीय साहेबगंज दौरा अब एक दिवसीय ही रहेगा। आज पुलिस लाइन में साहेबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मौजूद रहेंगे और फिर रात्रि विश्राम जो पटना में और दूसरे दिन पाकुड़ में कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था उसे रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आज ही रांची के लिए रवाना हो जाएंगे साहेबगंज से, तो संभावना है कि कारण इसका यही है, सीएम के दौरे में बदलाव ईडी की पूछताछ को लेकर भेजे गए सम्मन से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के इस पूछताछ से सम्मन संबंधित जवाब की प्रतीक्षा है। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी अभी नहीं आई है कि क्या वाकई मुख्यमंत्री कल ही 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल साहेबगंज का दो दिवसीय दौरा उसमें परिवर्तन किया गया है। यह दो दिवसीय दौरा अब एक दिन का ही होगा। आज शाम ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के लिए लौटेंगे और इस बीच बैठक भी बुला ली गई है। बड़ी खबर इस समय की, झारखंड के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ती दिख रही है। झारखंड में ईडी जहां बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, इस बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि सहयोगी दलों के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस में गठबंधन में साझा सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। ईडी की कार्रवाई के बीच ये बैठक, जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ईडी ने पुलिस मुख्यालय को लिखा है पत्र सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने को लेकर, लेकिन अब इस पर सियासी घमासान मचता दिख रहा है। जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है, तो इस बीच सरकार में शामिल सभी दलों के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है। आनन फानन में सीएम हाउस में यह बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, तो झारखंड के सियासी गलियारे में एक बार फिर हलचल बढ़ती दिख रही है और इस बार हलचल का कारण एक अन्य लिफाफा है। हालांकि झारखंड के सियासी गलियारे में लिफाफे को लेकर काफी हलचल देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार ईडी ने जो लिफाफा मुख्यमंत्री को भेजा है जिसमें सम्मन किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल 11:30 बजे ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए आने को लेकर, उस लिफाफे को लेकर भी अब घमासान मचा हुआ है। तो गोविंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साहेबगंज में मुख्यमंत्री का जो दो दिवसीय दौरा था उसमें परिवर्तन किया गया है और इस बीच रांची में भी काफी हलचल बढ़ चुकी है। तो पहले हम अपने साहेबगंज सहयोगी से एक बार फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या सूचना दी गई है ये जानते हैं, फिर रांची में किस तरह की हलचल है ये जानकारी भी आपके समक्ष साझा करेंगे। गोविंद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दो दिवसीय साहेबगंज दौरा पहले से निर्धारित था, ईडी का सम्मन आता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कल पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया जाता है और इस बीच साहेबगंज के दौरे में परिवर्तन, ये दोनों एक साथ होता दिख रहा है। परिवर्तन के बारे में एक बार फिर से जानकारी चाहेंगे, संगठन के प्रतिनिधि की ओर से क्या जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। चलिए गोविंद से हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि रांची में भी हलचल बढ़ गई है, मुख्यमंत्री आवास पर सभी सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई है। सत्ताधारी दल के सहयोगी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई इस आपात बैठक में शामिल होंगे, जानकारी ये मिल रही है।